हाय गाइस, वेलकम टू द किड्स कोडिंग क्लब। माय नेम इज करिश्मा धाकड़, योर कोडिंग टीचर। सो आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा नेक्स्ट लेसन, लेसन नंबर 11 ऑफ एक्सप्रेस कोर्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कम ऑन द गूगल, टाइप code.org एंड ओपन द फर्स्ट लिंक ऑफ द code.org। Okay, so this is the dashboard of code.org. Okay, so first of all, आपको साइन इन करना है, ठीक है। अगर आपने अभी तक अपना अकाउंट क्रिएट नहीं किया है तो सबसे पहले अपना अकाउंट क्रिएट कीजिए, ठीक है। उसके लिए आपको क्लिक करना है साइन इन बटन पर। साइन इन बटन आप देख सकते हैं हमारे राइट कॉर्नर में आता है, टॉप राइट कॉर्नर में, ठीक है। तो आप जैसे उस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास ऑप्शन आएंगे। एक होगा साइन इन करने के लिए, ठीक है। उसके लिए आपको अपना ईमेल आईडी एंड पासवर्ड इनपुट करना है, ठीक है। अगर आपने अकाउंट क्रिएट नहीं किया है देन एक और ऑप्शन है आपके पास क्रिएट एन अकाउंट का, ओके। इस पर क्लिक करना है आपको। देन आपसे वो कुछ इनपुट मांगेगा, जैसे ईमेल, पासवर्ड एंड पासवर्ड कंफर्मेशन, ठीक है। तो आप अपने ईमेल एंड पासवर्ड डालिए एंड साइन इन कीजिए, ओके। एंड डायरेक्ट अगर आप कंटिन्यू करना चाहते हैं विद गूगल, so you can do it. So I'm signing with my account. Okay, so you can see this is our express course. तो हमने लेसन 10 तक कंप्लीट कर लिया है। आज हम स्टार्ट करेंगे नंबर लेसन नंबर 11, इफ एल्स विद बी। सो एक नया टॉपिक यहाँ से स्टार्ट हुआ है, दैट इज कंडीशनल। ओके, सो कंडीशनल क्या होता है सबसे पहले हम वो समझेंगे। सो आई एम ओपनिंग द एक्टिविटी नंबर 1 ऑफ लेसन 11, द इफ ब्लॉक। देखो बच्चों, इफ ब्लॉक हम क्यों यूज करते हैं, वाई वी यूज इफ ब्लॉक और कंडीशनल्स एक्चुअली क्या होता है, ठीक है। जैसे कि आप इंग्लिश लैंग्वेज बोलते हैं तो हम एक वर्ड यूज करते हैं कंडीशन, ठीक है। तो कंडीशन का मीनिंग आप सभी को पता होगा कि कोई कुछ करना हो, कुछ चीज़ हमारे बीच में आ रही हो, जैसे अगर ये करना है या फिर ये करना है, ठीक है। हमारे पास दो वेज हो कि हमें कौन से वे पे जाना है, कौन सा वे हमें चूज़ करना है, ठीक है। तो हम एक कंडीशन लगा देते हैं उन दोनों के बीच में, अगर ऐसा है तो वैसा होगा, अगर ऐसा है तो वैसा होगा, ठीक है। इसी टाइप से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी कुछ कंडीशंस होती हैं, ठीक है। तो उन कंडीशंस को जज करने के लिए हमारे पास ब्लॉक होता है, कुछ स्टेटमेंट्स होते हैं, दैट इज इफ स्टेटमेंट, ओके। इफ के साथ एक और स्टेटमेंट आता है इफ एंड एल्स, इफ एल्स, ठीक है। तो इफ एल्स का यूज हम आगे पढ़ेंगे, अभी ओनली इफ हम पढ़ेंगे, ठीक है। व्हाट इज इफ, वी कैन यूज इफ एल्स टुगेदर एंड वी कैन ऑल्सो यूज इफ पर्सनली। सो आई एम कमिंग ऑन द लेसन 2, सॉरी लेसन नंबर 11, एक्टिविटी नंबर 2, ओके। सो यू कैन सी द इंस्ट्रक्शंस, ओके। ये एक प्रेडिक्शन है, आपको कुछ कोड गिवन है नीचे 5 ब्लॉक्स का, उसे रीड करना है और आपको आउटपुट बताना है ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन सही है, राइट है, ठीक है। तो हम सबसे पहले कोड पढ़ेंगे। यू कैन सी इन द प्लेग्राउंड एरिया हमारे पास एक बी है, ठीक है। एंड दो स्टेप्स को छोड़कर एक क्वेश्चन मार्क टाइप कुछ हमें दिया हुआ है, ओके। सो व्हेन रन, जब आपने रन किया तो आपके पास एक कोड है, रिपीट 3 टाइम्स डू मूव फॉरवर्ड। इट मींस रन करते ही जो बी है वो 3 बार मूव फॉरवर्ड करेगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर है इफ एट फ्लावर सो डू व्हाट टू गेट नेक्टर। अब ये कंडीशन क्या बोलती है, क्या कहती है ये कंडीशन, कि लास्ट में इस क्लाउड के पीछे, इस क्वेश्चन मार्क के पीछे कुछ तो है जो हमें कलेक्ट करना है। तो अभी हमें नहीं पता कि इसके पीछे एक्चुअल में है क्या, ठीक है। तो इसलिए हम एक कंडीशन यूज करेंगे, एक इफ ब्लॉक हम यूज करेंगे कि अगर वहाँ पे फ्लावर है तो बी उसे कलेक्ट कर लेगी, ठीक है। अगर फ्लावर है तो हमने लिखा है गेट नेक्टा, तो बी उसे कलेक्ट कर लेगी। अगर वहाँ पे फ्लावर नहीं है तो वो कलेक्ट नहीं करेगी,
ठीक है। तो इफ बेसिकली इफ के अंदर हमने एक कंडीशन पुट की है कि अगर फ्लावर है तो वो कलेक्ट हो जाएगा, ठीक है, अगर नहीं है तो वो कलेक्ट नहीं होगा। इट मीन्स जो कंडीशंस हैं वो डिपेंड करती है ट्रू या फॉल्स। अगर कंडीशन ट्रू है तो आपका स्टेटमेंट रन होगा, अगर आपकी कंडीशन फॉल्स है तो वो स्टेटमेंट रन नहीं होगा जो आपने इफ के अंदर यूज किया है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा देखते हैं। ऑप्शन ए, द बी विल मूव टू द क्लाउड एंड ट्राई टू गेट नेक्टर नो मैटर व्हाट। द बी विल मूव टू द क्लाउड एंड ओनली ट्राई टू गेट नेक्टर इफ देर इज अ फ्लावर अंडरनीथ। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा होगा बी राइट। ठीक है, वहां पे एक फ्लावर था तो उसने फ्लावर सॉरी कलेक्ट कर लिया। कंटिन्यू। ओके, सो दिस इज एक्टिविटी नंबर थ्री। वही सब चीजें हैं, ठीक है। थोड़ा सा आपका पाथ थोड़ा सा बढ़ा दिया गया, आपको पहले जाना है ईस्ट में फिर जाना है साउथ में। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या यूज़ करेंगे, टू टाइम्स मूव फॉरवर्ड। अब टू टाइम्स मूव फॉरवर्ड के लिए आप डायरेक्ट टू टाइम्स मूव फॉरवर्ड भी यूज़ कर सकते हो और रिपीट के अंदर एक मूव फॉरवर्ड भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, दोनों चीज़ दो ब्लॉक कंटेन करेंगी तो उससे मैटर नहीं करता या आपने मूव फॉरवर्ड दो बार यूज़ किया है या रिपीट यूज़ किया है। ठीक है, उसके बाद हमें लेना है टर्न राइट। आफ्टर दैट आपको लेना है एक मूव फॉरवर्ड, सिंगल टाइम मूव फॉरवर्ड। अब यहाँ पे जब आप इस स्टेप पे फर्स्ट क्लाउड पे फर्स्ट क्वेश्चन मार्क पे पहुँच जाते हैं, अब आपको चेक करना है क्या इसके पीछे फ्लावर है। अगर इसके पीछे फ्लावर है तो बी क्या करेगी, गेट करेगी उस फ्लावर को, गेट करेगी उस नेक्टा को। तो हमने यह कंडीशन लगाई, इफ एट फ्लावर सो डू व्हाट, डू गेट नेक्टा, वन मोर टाइम मूव फॉरवर्ड एंड सेम थिंग अगेन। तो हम इस ब्लॉक को रख देते हैं रिपीट के अंदर, रिपीट मूव फॉरवर्ड इफेक्ट फ्लावर एंड दिस इज टू टाइम्स। ठीक है, बिकॉज हमारे पास टू क्लाउड्स हैं, टू क्वेश्चन मार्क हैं। ओके, रन। देखो अब यहाँ पे कुछ भी नहीं था, ठीक है, यहाँ पे कुछ भी नहीं था तो कंडीशन हमारी फॉल्स हो गई, तो गेट नेक्टर वाला जो स्टेटमेंट है वो रन नहीं हुआ है। ठीक है, अगर यहाँ पे फ्लावर होता दोनों में से एक भी जगह तो हमारी कंडीशन ट्रू होती और गेट नेक्टर को हम कैच कर लेते। कंटिन्यू। ठीक है, अभी हम इंस्ट्रक्शंस पढ़ेंगे। यू कैन ओनली कलेक्ट नेक्टर्स फ्रॉम फ्लावर्स बट यू कैन चेक एनी स्पेस टू सी इफ देयर इज अ फ्लावर। इसका मतलब इन जितने भी हमारे पीछे क्लाउड्स दिए हुए हैं, क्लाउड्स के पीछे या क्वेश्चन मार्क्स के पीछे, ठीक है, ज़रूरी नहीं है हर जगह फ्लावर्स हो। जहाँ पे फ्लावर्स है वहाँ से हमें कलेक्ट करना है, जहाँ पे नहीं है वहाँ हमें कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, सिंपली मूव फॉरवर्ड करना है। तो इस लाइन में हमारे पास बिकॉज सिंगल लाइन है तो इस लाइन में टोटल कितने स्टेप्स हमें मूव करने हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड 7 स्टेप। ठीक है, 7 स्टेप हमें मूव करने हैं तो हम करेंगे रिपीट 7 टाइम्स। 7 टाइम्स क्या करना है हमें, मूव फॉरवर्ड करना है, तो यूज अ मूव फॉरवर्ड एंड आफ्टर दैट हर मूव फॉरवर्ड के बाद हमें चेक करना है वहां पे फ्लावर है क्या। अगर फ्लावर है तो वो कलेक्ट कर ले, अगर नहीं है तो मूव फॉरवर्ड हो जाए। तो यहाँ पे हम कंडीशन डालेंगे, इफ एट फ्लावर देन डू व्हाट, डू गेट नेक्टर, दिस वन। ठीक है, टोटल ब्लॉक्स कंप्लीट हो गए हम, 5 out of 5, सो वी कैन रन नाउ। हमारे पास 3 फ्लावर्स थे, बाकी सब ब्लैंक था। ठीक है, तो जहां जहां पे फ्लावर्स थे उसने वहां वहां पे वो स्टेटमेंट रन किया। ओके, अदरवाइज कुछ भी रन नहीं हुआ, नॉर्मली मूव फॉरवर्ड हुआ।
Okay, so this is our fifth activity. This is our fifth activity. So in this वही same चीज है, ठीक है. सबसे पहले हम पढ़ेंगे instructions. Only flowers ही है हमारे पास या कुछ और भी हम collect करना है? So हमारे पास only flowers ही हैं. You can see. In this puzzle, we know that every flower has exactly one nectar, but the flowers aren't spaced evenly. Okay, so get all the nectar using as few blocks as possible. So same वही चीज़ है जो अभी अभी हमने की थी. Repeat 7 times. Move forward. If at flower, so get nectar. Run. Okay, continue. Okay, fine. So in the sixth activity, हमारे पास दो ways हैं, दो path हैं, ठीक है, जिन्हें हमें cover करना है. तो two lines हैं basically अगर देखा जाए simply. ठीक है, तो सबसे पहले करेंगे फर्स्ट लाइन का कोड. तो फर्स्ट लाइन में हमारे पास सिक्स मूव फॉरवर्ड्स हैं, तो रिपीट चलेगा सिक्स टाइम, लूप चलेगा सिक्स टाइम, एंड मूव फॉरवर्ड, दिस इज सिक्स टाइम एंड मूव फॉरवर्ड. वही सेम चीज पूरी लाइन में हम हर स्पेस पे चेक करेंगे. अगर वहां पे फ्लावर है तो करेगा गेट नेक्टर, अगर वहां पे फ्लावर नहीं है तो इस गेट नेक्टर को वो रन नहीं करेगा. ओके, तो सबसे पहले फर्स्ट लाइन का कोड हमने लिखा है, तो पहले रन करके देखते हैं. सो अब हमें टर्न लेना है, बिकॉज हमें सेकंड लाइन पे जाना है, तो हमें टर्न लेना है. कौन सा टर्न? टर्न लेफ्ट. आफ्टर दैट टू टाइम्स मूव फॉरवर्ड, टू टाइम्स मूव फॉरवर्ड, अगेन टर्न लेफ्ट, दिस वन. After that, हमें क्या करना है? अप नॉर्थ में जाना है, ऊपर जाना है, तो सेम वही कोड होगा. ठीक है, रिपीट सिक्स टाइम्स, यू कैन डू इट फाइव टाइम्स दिस टाइम. तो आई एम यूजिंग फाइव टाइम्स. मूव फॉरवर्ड एंड सेम वही चीज, चेक अ कंडीशन, इफेक्ट फ्लावर देन गेट नेक्टर. Reset and run. Complete. Okay. So guys, ये use होता है condition का. बहुत ही important topic है condition और if else. ठीक है, बहुत ज्यादा use होने वाला है programming language में, loops का, if else का, ठीक है, conditions का. तो बिल्कुल ध्यान से पढ़िए. ठीक है, तो देखते हैं सेवेंथ नंबर एक्टिविटी में हमें क्या दिया हुआ है. अब देखिए, नाउ आई जस्ट वांट टू मेक हनी. ओके, अब नेक्टर नहीं है, हनी है हमारे पास. सम ऑफ दीज क्लाउड्स माइट हैव हनीकॉम अंडर देम, बी श्योर टू चेक इफ अ हनीकॉम इज हाइडिंग बिहाइंड ईच क्लाउड्स. इफ देयर इज अ हनीकॉम, द बी विल ओनली नीड टू मेक हनी वंस. ओके, सो जो कोड अभी हम कर रहे थे गेट नेक्टर के लिए, सेम वही कोड हमें करना है सॉरी हनी के लिए. ठीक है, बिकॉज अब हमें हनी को चेक करना है, नेक्टर को चेक नहीं करना. सो सबसे पहले वही चीज, टू टाइम्स मूव फॉरवर्ड. इफ एट हनीकॉम, अगर यहाँ पे हनीकॉम है इसके पीछे, तो मेक हनी, टर्न लेफ्ट, two times again move forward, and if at honeycomb then make honey. ठीक है, अब देखिए कोड तो एक्स्ट्रा यूज कर लिया हमने. ठीक है, हमने एक्स्ट्रा कोड यूज किया है, एक्स्ट्रा कोड यूज नहीं करना है. तो हम क्या करेंगे, वही सेम कोड तो रिपीट कर रहे हैं. देखिए, टू टाइम्स मूव फॉरवर्ड, इफ एट हनीकॉम देन मेक हनी, टू टाइम्स मूव फॉरवर्ड, इफ एट हनीकॉम देन मेक हनी. तो हम इस कोड को हटा देंगे, डिलीट कर देंगे, डस्टबिन में डाल देंगे. ठीक है, हम क्या यूज करेंगे,
लूप यूज करेंगे टू टाइम्स के लिए, ठीक है? तो ये मूव फॉरवर्ड एंड टू टाइम्स रन। यहाँ पे हनी था तो उसने मेक हनी कर लिया, अगर नहीं होता तो वो कुछ भी नहीं करता, ठीक है? सिंपली आगे बढ़ जाता। कंटिन्यू, ओके। अब हम यूज करेंगे इफ एंड एल्स ब्लॉक का। अभी तक हम कर रहे थे ओनली इफ ब्लॉक, ठीक है? अब करेंगे हम इफ एंड एल्स ब्लॉक। सो कंटिन्यू, दिस इज आवर नाइन्थ एक्टिविटी ऑफ लेसन नंबर 11। अब देखिए गाइस, इंस्ट्रक्शंस को पढ़िए। समटाइम्स अ क्लाउड कवर अ फ्लावर, समटाइम्स इट्स कवर अ हनीकॉम्ब, ठीक है? तो अभी तक आप क्या कर रहे थे, अभी तक आपको गिवन था, आपको दिया हुआ था कि इसके पीछे क्लाउड है, क्लाउड आई मीन उसे इस क्लाउड के पीछे या तो हनी है, हनीकॉम्ब है, या फिर फ्लावर है, ठीक है? ये आपको गिवन था, या तो फ्लावर होगा या कुछ भी नहीं होगा, या फिर हनी होगा या फिर कुछ भी नहीं होगा, ठीक है? बट इस एक्टिविटी में, ठीक है, आपको क्या दिया हुआ है कि इसके पीछे अब कुछ भी हो सकता है, फ्लावर भी हो सकता है और हनीकॉम्ब भी हो सकता है, ठीक है? तो आपको, आप कैसे चेक करोगे अब, ठीक है? तो उस कंडीशन में हम यूज करते हैं इफ या एल्स ब्लॉक का, ठीक है? एक कंडीशन है, मान लो एक कंडीशन आपने चेक की, अगर कंडीशन, कंडीशन कौन से ब्लॉक में लगेगी, इफ ब्लॉक में लगेगी, ठीक है? जैसा कि आप देख सकते हैं इफ एट फ्लावर एंड डू या फिर एल्स, ये जो ब्लॉक हमें गिवन है, ये वाला ब्लॉक, ठीक है? यहाँ पे कंडीशन है एट फ्लावर की, कौन सी कंडीशन है, एट फ्लावर की। तो कंडीशन हमेशा इफ में चेक होगी, ठीक है, इफ के अंदर चेक होगी। अब नीचे दो चीजें और हैं, डू, अगर ये कंडीशन ट्रू हुई, लेट मी मार्क, ओके, सो दिस इज आवर कंडीशन। ये जो फ्लावर है एट फ्लावर, ये हमारी कंडीशन है, ठीक है? ये इफ है और ये एल्स, ये दो ब्लॉक्स हम पढ़ रहे हैं अभी, इफ एंड एल्स, ठीक है? तो कंडीशन लगी है इफ के अंदर, ठीक है? ये स्टेटमेंट है इफ का, इफ डू, ये वाला जो डू स्टेटमेंट है ये कंबाइन है इफ से, ठीक है? तो ये कंडीशन कंप्यूटर चेक करेगा कि ये ट्रू है या फॉल्स है, ये कंडीशन ट्रू है या फिर फॉल्स है। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो वो इफ के अंदर जो पार्ट है उसे रन करेगा, इट मीन्स अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो ये आपका जो प्रोग्राम है वो जाएगा इस वाले ब्लॉक पे, ठीक है? यहाँ पे जो भी लिखा हुआ होगा उसे रन करेगा। अगर ये कंडीशन इफ एट फ्लावर की रॉन्ग प्रूफ होती है, इट मीन्स ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है, तो आपका प्रोग्राम जाएगा यहाँ पे एल्स वाले पार्ट पे, ठीक है? जैसे कि इंग्लिश ग्रामर में एक टर्म होती है आइदर और, ठीक है? तो उसमें क्या चेक करते हैं, या तो आइदर वाला पार्ट रन होता है या फिर और वाला पार्ट रन होता है। सेम वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगेगा, या तो इफ वाला जो पार्ट है वो रन होगा या फिर एल्स वाला पार्ट रन होगा, ठीक है? बट ये किस पे डिपेंड करेगा, कंडीशन पे। अगर कंडीशन ट्रू है तो इफ पार्ट रन होगा, अगर कंडीशन फॉल्स है तो एल्स का पार्ट रन होगा। अब कुछ भी आप यहाँ पे लिख सकती हो, डू के अंदर कुछ भी आप लिख सकती हो, एल्स के अंदर आप डायरेक्ट अपनी कोड लिख सकते हो, या फिर और भी अगर आप कंडीशन चेक करवाना चाहते हैं तो इसके एल्स के अंदर भी हम कंडीशन चेक कर सकते हैं। ओके, सो लेट मी क्लियर माई ड्राइंग, ठीक है? तो सबसे पहले हम मूव फॉरवर्ड करेंगे, ठीक है? बिकॉज टू टाइम्स मूव फॉरवर्ड की हमें जरूरत है, टू टाइम्स मूव फॉरवर्ड। अब हम चेक करेंगे, ठीक है? अब हम चेक करेंगे इफ एट फ्लावर देन गेट नेक्टर एल्स मेक हनी, ठीक है? अगर फ्लावर है तो फ्लावर गेट कर ले, वो गेट कर ले नेक्टर को, अगर फ्लावर नहीं है तो हनी कॉम होगा, ठीक है? तो हनी को कलेक्ट कर ले, रन कंप्लीट। वहां पे फ्लावर था तो वहां पे उसने फ्लावर को कलेक्ट कर लिया। चलिए देखते हैं व्हाट्स नेक्स्ट। ओके, दिस इज अ प्रेडिक्शन।
Look carefully at the code below. What do you think will happen after you click run? ठीक है, so अब four options आपको दिए हुए हैं. ठीक है, ये है आपका कोड. रिपीट 3 times, मूव फॉरवर्ड, इफ इट फ्लावर, देन डू गेट नेक्टर, एल्स मेक हनी. सेम वही चीज़ है जो अभी अभी हमने की थी. ठीक है, तो बस कॉन्सेप्ट क्या थोड़ा सा अलग हो गया, यही चीज़ 3 बार रिपीट हो रही है. ओके, तो देखते हैं. या मूव फॉरवर्ड होगा, इसको चेक करेगा फ्लावर हुआ या गेट नेक्टर हुआ, जो भी है, सॉरी हनी हुआ या फ्लावर हुआ, तो वो कलेक्ट कर लेगा दोनों में से किसी भी एक को. ठीक है, तीनों जगह वही सेम कंडीशन हमने यूज की है. तो ऑप्शंस पे आते हैं. ऑप्शन नंबर ए इज द बी विल गेट नेक्टर एट ईच फ्लावर एंड मेक हनी एट ईच हनीकॉम्ब. नो, ठीक है, द बी विल ट्राई टू गेट नेक्टर फ्रॉम बोथ फ्लावर एंड हनीकॉम्ब. द बी विल ट्राई टू गेट हनी फ्रॉम बोथ फ्लावर एंड हनीकॉम्ब, या फिर डी, आई डोंट नो. चलिए बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा, ए बी सी या डी. ठीक है, बिल्कुल कमेंट बॉक्स में ये आंसर मुझे आप बताइए. ठीक है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा. ठीक है, फिर मैं आपका ऑप्शन देखूंगी कि किसका राइट है एंड किसका रॉन्ग है. ठीक है, तो अभी मैं इसको स्किप कर रही हूँ, आपका आंसर आएगा, देन तब मैं बताऊंगी कि इसका करेक्ट आंसर कौन सा था. चलिए, तो जब तक के लिए हम नेक्स्ट एक्टिविटी पे चलते हैं. एक्टिविटी नंबर 11. ओके, सो दिस इज अ चैलेंज पजल, एक चैलेंज है हमारे लिए. सो आई एम रेडी फॉर द चैलेंज. चैलेंज क्या है, देयर विल बी आइदर अ फ्लावर और अ हनीकॉम्ब अंडर ईच ऑफ दोस क्लाउड्स. ठीक है, या तो हनीकॉम्ब होगा या फिर फ्लावर होगा इस क्लाउड्स के पीछे. Collect nectar once if there is a flower, otherwise make honey once because there is honeycomb. Okay? So आप देखिए 4 lines है हमारे पास, right? 4 lines है हमारे पास. एक square form हमें दिया हुआ है और एक square की 4 lines होती है, तो यहाँ पे हम 4 lines count कर सकते हैं. यहाँ से start होगा ये 1 line, 2 line, 3 line, ये 4 line. ठीक है, तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे इसे. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू मूव फॉरवर्ड 2 times, 1 time, सॉरी एक्चुअली 3 times. सो रिपीट हम यूज करेंगे, 3 times move forward. Right? 1, 2 and 3. अब 3, जब हम 3 पे, 3 थर्ड स्टेप पे आ जाएंगे, अब हमें चेक करना है इफ एट फ्लावर या फिर हनीकॉम्ब. ठीक है, अगर फ्लावर है तो गेट नेक्टर, अगर फ्लावर नहीं है तो ऑब्वियसली हनी होगा, तो मेक हनी. आफ्टर दैट जैसे ही फर्स्ट लाइन हमारी कंप्लीट हो जाएगी, आपको क्या करना है, टर्न लेना है. ये फर्स्ट लाइन हमने कंप्लीट कर ली है. ठीक है, जहाँ पे ये खड़ी है, जो बी है जहाँ पे, उससे नेक्स्ट वाला हमने स्टार्ट किया. ठीक है, इस ब्लॉक से हमने स्टार्ट किया, ये फर्स्ट ब्लॉक, सेकेंड ब्लॉक और ये थर्ड ब्लॉक. ठीक है, इसलिए मैंने 3 times मूव फॉरवर्ड यूज़ किया और हर स्टेप पे मैं चेक कर रही हूँ इफ एट फ्लावर, तो गेट सॉरी ये वाला जो इफ कंडीशन है आपका, ये लूप के बाहर आएगा, आउटसाइड द लूप आएगा. ठीक है, लाइक दिस 3 times मूव फॉरवर्ड एंड इफ इट फ्लावर देन गेट नेक्टर अदरवाइज मेक हनी. इसके बाद हमें टर्न लेना है बिकॉज नेक्स्ट लाइन में स्टार्ट करनी है, तो आपका टर्न कौन सा होगा, टर्न राइट. यहाँ पे टर्न राइट होगा. अब यही चीज आपको फॉलो करनी है 4 times. ठीक है, बिकॉज सारे सभी लाइन्स में आप देख सकते हैं 2 स्पेस है और लास्ट में क्लाउड है. ठीक है, तो हम एक और लूप यूज करेंगे लाइक दिस. ये सारा कोड इस आउटर लूप के अंदर डाल देंगे और इस लूप को 4 times के लिए रन कर देंगे. ठीक है,
जहाँ पे हनी था वहां पे इसने कलेक्ट किया हनी को, जहाँ पे फ्लावर था तो इसने फ्लावर को कलेक्ट किया. सो नाउ वी कैन कंटिन्यू. दिस इज आवर 12th एक्टिविटी. ओके सो कलेक्ट ऑल द नेक्टार्स और मेक ऑल द हनीज. यू कैन ओनली कलेक्ट नेक्टार्स फ्रॉम फ्लावर्स एंड मेक हनी फ्रॉम हनीकॉम्ब्स. चेक एनी स्पेस टू सी इफ देर इज अ फ्लावर और हनीकॉम्ब. देयर विल ओनली एवर बी वन फ्लावर और वन हनीकॉम्ब बिहाइंड ईच फ्लावर. अब इनके पीछे वही सेम चीज़ है, जो फ्लावर होंगे या फिर हनी होगा या फिर कुछ भी नहीं होगा, स्पेस भी हो सकता है. ठीक है, तो सबसे पहले हमें एक लूप लगाना है. हाउ मेनी टाइम्स? 7 times के लिए. 7 times करेगा वो मूव फॉरवर्ड लाइक दिस. ठीक है, मूव फॉरवर्ड के बाद अब हमें चेक करना है इफ एट फ्लावर देन गेट नेक्टर एंड मेक हनी. डायरेक्ट हम पुट कर सकते हैं क्या मेक हनी एल्स में? चलिए देखते हैं पुट करके. ठीक है, अभी यहाँ पे पीछे स्पेसेस भी हो सकते हैं. अगर कहीं भी बीच में स्पेस आ गया तो आपका प्रोग्राम वहीं पे कैंसिल हो जाएगा, वहीं पे आपको एरर आ जाएगी. ठीक है, बिकॉज कंडीशन चेक करेगा, अगर फ्लावर है तो फ्लावर गेट कर लेगा फिर आगे बढ़ जाएगा. अगर कहीं पे हनी फ्लावर नहीं होगा तो वो मेक हनी ढूंढेगा, हनी है. अगर वहाँ पे स्पेस हुआ तो हमने स्पेस के लिए तो कोई कंडीशन लगाई ही नहीं है. या तो हम बोल रहे हैं या तो गेट करें नेक्टा को या फिर हनी को कलेक्ट करें. ठीक है, पर स्पेस के लिए तो कुछ है ही नहीं. तो एक बार रन करके देखते हैं कि कैसे प्रॉब्लम आती है कहाँ पर. रन ठीक है, यहाँ पे कोई भी स्पेस नहीं था तो हमारा प्रॉब्लम. ठीक है, अगर स्पेस होता, मान लीजिए कहीं भी बीच में स्पेस होता, तब हमें क्या करना पड़ता? ठीक है, यहाँ पे आपको गिवन है सारी चीजें कि 1 1 1 सभी काउंटिंग गिवन है. कहीं पे हनी है तो कहीं पे फ्लावर है. तो ठीक है, इसको भी आप खुद से कर सकते हैं. रिपीट 7 times. अब मैं बताऊंगी कि अगर बीच में कभी स्पेस आ गया तब हम क्या करेंगे. ठीक है, तब हम क्या करेंगे? तो इफ एट फ्लावर देन गेट नेक्टर. अगर गेट नेक्टर है तो ठीक है, अगर गेट नेक्टर नहीं है, फ्लावर नहीं है, तो एल्स पे आएगा. ठीक है, तो एल्स पे हमें क्या करना है? एक और कंडीशन लगा देनी है. ठीक है, एल्स पे हमें क्या करना है? एक और कंडीशन लगा देनी है. इफ एट हनीकॉम्ब देन मेक हनी. अगर हनी नहीं है, फ्लावर भी नहीं है, फिर हनी भी नहीं है, तब क्या करेगा वो? नॉर्मली करेगा मूव फॉरवर्ड इस तरह से. ठीक है, अभी इसमें यूज करने की जरूरत नहीं है इस चीज को, बिकॉज यहाँ पे आपको पता है कि कोई भी स्पेस बीच में नहीं है हमारे. ठीक है, मान लीजिए अगर स्पेस होता तब हम इस तरह का कोड लिखते. ठीक है, अगर मान लीजिए अगर इसमें स्पेस होता तो स्पेस को छोड़ देता, नॉर्मली मूव फॉरवर्ड कर लेता. ओके, सो यहाँ पे लेसन कंप्लीट होता है बच्चों. ठीक है, नेक्स्ट लेसन हम पढ़ेंगे लेसन नंबर 12. ओके, सो ये कुछ चैलेंजेस पजल है, आप इसे बिल्कुल ट्राई कीजिए, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है. ठीक है, बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें आप इनसे सीखेंगे. ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. तब तक के लिए बाय बाय.